नवजोत सिंह सिद्धू जो कल तक सुखजिंदर रंधावा के लिए लॉबिंग कर रहे थे और सुखजिंदर रंधावा को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में जुटे हुए थे, आज वो खुद अपनी गाड़ी में पंजाब के प्रभारी हरीश रावत को बैठाकर लाए हैं और शपथ ग्रहण समारोह का समय लेने आए हैं चरणजीत सिंह चन्नी का। यानी कि कल तक वकालत सुखजिंदर रंधावा की कर रहे थे और अब समय लेने आए हैं। ये देखिए पंजाब राजभवन का गेट एक बार फिर से खुला है और एक एक करके आइडेंटिफाई करके उन नेताओं को पंजाब राजभवन के अंदर जाने दिया जा रहा है जिनकी लिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर भेजी होगी। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में ये जो तस्वीर नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं पंजाब चुनावों से पहले एक बहुत बड़े बदलाव का रूप है, एक परिवर्तन का रूप है। और अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कयास लगा रहे हैं कि इस बदलाव की बदौलत, एक नेतृत्व परिवर्तन की बदौलत आने वाले समय में चुनावी नैया भी पार करने की कांग्रेस नेतृत्व कोशिश करेगा। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से पंजाब राजभवन से, माहौल एकदम गरमाया हुआ है, कांग्रेस के पीछे कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। पीछे अगर मैं सड़क पर कैमरे को ले जाता हूँ, ये देखिए वाहनों का काफिला, तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने होने वाले मुख्यमंत्री के अभिवादन के लिए। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ है और इस फेरबदल के मायने क्या होंगे वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित सिख लीडर हैं और इस जो फॉर्मूला तय किया गया था उस फॉर्मूले के मुताबिक दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी लगाए जाने थे। हालांकि अभी सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान हुआ है और उनके समय मांगने के लिए उनके तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बदलाव के मायने क्या होंगे, कैसे होंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे और पूरी तरीके से समझाएंगे कि किस तरीके से पंजाब की राजनीति पल पल बदल रही है। सईद सत्येंद्र, यहाँ पर एक बात भी बता दीजिए, जो तस्वीरें लगातार आप दिखाई रहे हैं, जैसे ही गेट खुलता है अंदर जाएंगे और उसके बाद बाहर निकलेंगे, चन्नी ने कहा भी है कि मुझे बाहर आ जाने दीजिए फिर मैं आपसे बात करता हूँ, क्या ये जो शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ है और जो दृष्टि लगातार सत्येंद्र इन दोनों दलों की दलित वोट पर पंजाब के रहती है, कांग्रेस ने क्या कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उस पर भी चोट की है और वो दलित वोट अपनी तरफ करने की कोशिश भी की है चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर? देखिए सईद, मैं पीछे लंबे समय से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अब की बार एक तीर से कई निशाने साधे हैं। वोट बैंक की बात बाद में होगी, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को जो खतरा दिखाई दे रहा था वो खतरा ये था कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी टूट हो सकती है, एक बड़ा जो है तोड़फोड़ का खतरा बना हुआ था, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ अमित मालवीय जी बीजेपी के नेता फोनलाइन पर मौजूद है। अमित जी धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री कांग्रेस बनाने जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए कांग्रेस पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है यह उनका आंतरिक निर्णय है, उनका फैसला है, लेकिन एक ये भी सवाल खड़ा होता है कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना जिनके खिलाफ महिला उत्पीड़न का आरोप है, मी टू का एलिगेशन है। 2018 में इन्होंने एक वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी को अश्लील मैसेज भेजा और मई 2021 में पंजाब विमेन कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भेजा था इसमें स्पष्टीकरण मांगते हुए। हमारा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या महिला उत्पीड़न को लेकर और वर्क प्लेसेस को महिलाओं के लिए सेफ बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी का यही रवैया है? आज पंजाब में महिलाएं या बच्चियां जो अपने घर से बाहर काम करने के लिए निकलेंगी वो अपने आप को कैसे सुरक्षित और महसूस करेंगी अगर सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ ही एक वरिष्ठ महिला अधिकारी को इस प्रकार के अश्लील मैसेजेस भेजने का एक केस चल रहा हो? ये सवाल सोनिया गांधी से पूछना चाहिए और राहुल गांधी से जिन्होंने इनकी नियुक्ति करी है। अमित जी, यह आपका अधिकार है और प्रश्न आपने उठा दिया है, आप धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, वो भी आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पंजाब में अपनी जमीन, आगे 5 महीने में चुनाव हैं, पंजाब में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करे, पंजाब की सत्ता पर काबिज हो, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल भी आपसे अलग हो गई है, आप अकेले पड़ गए हैं, क्या आपकी रणनीति होगी कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह का फायदा उठाने में? देखिए पंजाब को सुरक्षित रखना ये
किसी भी नागरिक का और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पहला फर्ज होना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो ताकतें हावी हो रही हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात को अपने वक्तव्य में भी कहा कि जो लोग पाकिस्तान के साथ एक दोस्ताना संबंध रखते हैं या उनके आर्मी चीफ के साथ उनका उठना बैठना है, ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर प्राथमिकता दे रही है तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़ा करता है। और हम चाहेंगे कि वहाँ जो भी पार्टी सत्ता में आए वो ऐसी पार्टी हो जो देश को और पंजाब को मजबूत रख सके। बहुत धन्यवाद अमित मालवीय जी, नेता बीजेपी हमारे साथ थे, लेकिन अमित मालवीय जी गंभीर आरोप भी यहाँ पर लगा रहे हैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले जो पंजाब के हैं चरणजीत सिंह चन्नी पर।